अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी रेसिपी है चिकन कढ़ाई। मैं बहुत आसान तरीके से चिकन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें है दही 1 कप, टमाटर 1/2 किलो, मैंने टमाटरों को चॉप कर लिया था और टमाटरों के साथ 2 बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें भी चॉप कर ली थी, नमक हसबे जायका या 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, साबित ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, मोटा कुटा हुआ अदरक 1 खाने का चम्मच। मैंने अदरक को पीसा नहीं है बल्कि मोटा मोटा कूट लिया था, आप भी सिल पर इसे मोटा कूट लीजिएगा, पीस लीजिएगा। दालचीनी के स्टिक्स 3, पिसा हुआ सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और चिकन 1 किलो। मैंने चिकन के कढ़ाई कट पीस करवा लिए थे, सिर्फ लेग पीस को नहीं कटवाया। अब मैं एक कढ़ाई में चिकन ऐड कर दूंगी, साथ ही चॉप किए हुए टमाटर और चॉप की हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी, दालचीनी भी ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अब मोटा पिसा हुआ अदरक डाल दूंगी, पिसा सूखा धनिया, नमक, ज़ीरा और लाल मिर्च ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं बिल्कुल हल्की आंच पर चिकन को पकने के लिए रख दूंगी ताकि चिकन और टमाटर अपना पानी छोड़ दें। मैं चिकन में पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूंगी। चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और देखिए चिकन और टमाटरों ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें 1/4 कप ऑयल ऐड कर दूंगी। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चिकन को मज़ीद हल्की आंच पर 20 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। चिकन को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 3 कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी, बारीक लंबाई में कटा हुआ अदरक तकरीबन 1 खाने का चम्मच ऐड कर दूंगी और चिकन को हल्की आंच पर भूनती जाऊंगी। चिकन को अच्छी तरह भूनने के बाद 3 मिनट हल्की आंच पर ढककर पकाऊंगी और 3 मिनट बाद इसमें 1 लीमू का जूस ऐड कर दूंगी। अब कुटी हुई काली मिर्च और पिसा गरम मसाला ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अब इसमें दही ऐड कर दूंगी। अब कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके तेज़ आंच पर 2 मिनट चिकन को भूनूंगी। चिकन अच्छी तरह भुन चुका है, अब मैं इसे सर्व करके दिखाऊंगी। चिकन कढ़ाई बनकर तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आसान चिकन कढ़ाई की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें सोशल मीडिया पर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने के लिए मिले। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर से नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।